नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। BHU पाठशाला पे आपको कंटिन्यूअस ऑफिशियल कट ऑफ के वीडियोस मिल रहे होंगे। फर्स्ट राउंड कट ऑफ का वीडियो मैंने डाला था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हो। और एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दी गई है, CUET BHU 2022 कट ऑफ UG। आप उससे आप BHU के किसी भी कोर्स का ऑफिशियल कट ऑफ वीडियो देख सकते हो BHU पाठशाला पे। सबसे अच्छी बात यह है कि BHU पाठशाला पे हर एक कोर्स का ऑफिशियल वीडियोज कवर किया गया है, बाकी जगहों पर ऐसा वीडियोज आपको देखने को शायद ना मिले। अभी आप देख रहे होंगे कि सेकेंड राउंड है, 27 तारीख को आया हुआ है, यानी कल देर रात आपको ये मिला होगा। BSc ये बायो का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, BSc बायो का देख रहे हैं अभी, जिसका लास्ट 29 तारीख को फीस पेमेंट रखा गया। आपको पता है कि अलॉटमेंट आने के बाद आपको 48 घंटे का समय दिया जाता है। अभी ये रेगुलर फीस सीट चल रहा है, अभी पेड सीट बाकी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए। और BHU पाठशाला पे कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जनरल जो है FMC और MMB दोनों बता रहा हूँ मैं। FMC मतलब फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, MMB मतलब महिला महाविद्यालय, ठीक है। ये दोनों ही BHU के, FMC तो BHU ही है पूरा, MMB भी BHU के अंदर ही है, इंटीग्रेटेड कॉलेज है। जनरल का है 428.04, यानी 428 गया है अभी लास्ट कट ऑफ। MMB गया है 428, यानी ये दोनों ही सेम चल रहे हैं, बस पॉइंट में थोड़ा सा बदला हुआ है। 428 MMB भी चल रहा है। EWS 409, ठीक है, और 399। पता है ऐसा क्यों हुआ है कि बस एक एक नंबर की कमी आई है या फिर नहीं हुआ है कमी? क्योंकि एक ही मार्क्स पे अबाउट 30, किसी किसी पे 20, किसी पे 15 बच्चे बैठे हुए हैं, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि 409 और 399 के बीच में आपको यहाँ पे सैकड़ों बच्चे मिल जाएंगे। यही रीज़न है कि इन चीज़ों में आपको बहुत कम गिरावट दिखेगी। OBC का है 387.91, यानी 387। 381 आपका MMB का गया हुआ है। 273 गया है आपका SC का। 273 गया है आपका FMC, और 271 गया है MMB, ठीक है। ST गया है 211, यानी 211, और 205 आपका MMB गया हुआ है। पॉइंट में भी काउंट कीजिएगा, मैं पॉइंट भले नहीं कंसीडर किया, बोला नहीं, लेकिन पॉइंट में आपके कट ऑफ को देखा गया होगा जब बच्चे एक ही सीट पे कई, एक ही मार्क्स पे कई बच्चे आ रहे होंगे, तो ठीक है। तो होपफुली आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट करना, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। थोड़ा पेशेंस भी रखना, रिप्लाई में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और मुस्कुराते रहें, टेंशन नहीं लें। और काउंसलिंग इट मीन्स कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है सर प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन चाहिए, तो उसके लिए आप एक अलग से मैसेज टाइप करना कि सर मेरा काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपके पास थोड़ा वक्त हो तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं हो। या जिनका हो गया वो भी बात कर सकते हैं, फ्री टाइम में 10, 5, 15, 20 बच्चों से अक्सर बात होती है, जिनके लिए सजेशंस रखता हूँ। मेरा बहुत पहले प्लानिंग था कि इस चीज़ को मैं पेड रखूँगा, बट अभी फ्री चल रहा है। अगर बच्चे सेटिस्फाई रहेंगे मेरे से बात करके, इट मीन्स कि हाँ आप सही सजेशन देते हो, तो आगे चल के हम इसको पेड भी करेंगे, जिससे कि अच्छे बच्चों को सजेशन दिया जा सके। पेड इट मीन्स कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा पैसे की बात कर रहा हूँ, बस इतना कि सही बच्चे आए मेरे पास पूछने के लिए, ठीक है। तो कमेंट करें और मस्त रहें, खुश रहें।